हेलो एंड वेलकम टू योर ओन APS टेक चैनल। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुए वीवो के नए फोन वीवो Z3X को। जिस प्राइस सेगमेंट में ये फोन आने वाला है, ये फोन धमाल मचाने वाला है बजट फोन्स की दुनिया में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन के बॉक्स में जो हमें कंटेंट मिलता है वो देख लेते हैं। ये फोन एक कवर के साथ आता है। ये कवर ट्रांसपेरेंट कवर है, फ्लेक्सीबल कवर है, कुछ खास कवर नहीं है। सिंपल जो कवर होते हैं वही कवर है, कोई ब्रांडिंग वगैरह इस कवर के ऊपर नहीं है। और हमें इस बॉक्स में कुछ यूजर गाइड और मैनुअल्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ एक सिम इजेक्टर टूल भी आता है इस बॉक्स में। 5W 2 ampere का वीवो ब्रांडेड चार्जर दिया गया है इस फोन को चार्ज करने के लिए। फोन टाइप सी पोर्ट के साथ नहीं आता है। तो हमें इस बॉक्स में जो केबल मिलती है वो है माइक्रो USB केबल। और इसके अलावा बॉक्स में कोई भी हेडफोन वगैरह जो इस फोन के साथ नहीं आते हैं। अब बात करते हैं फोन की। फोन की स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रीन गार्ड प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। फर्स्ट इंप्रेशन में फोन काफी लाइट वेट है और देखने में फोन काफी सुंदर लग रहा है। फोन के बैक साइड के ऊपर इसे क्लासिक ग्लॉसी फिनिश दी गई है। इस फोन का बैक पैनल जो है वो प्लास्टिक से बना है, बट ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से जो इसका बैक पैनल है वो ग्लास की लुक देता है। ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। फोन के टॉप के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता है। फोन के इस साइड के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर की जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छी है। फोन के दूसरी साइड आपको सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। फोन के बॉटम के ऊपर आपको एक हेडफोन जैक, उसके साथ में चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और एक स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। और फोन के बैक के ऊपर LED फ्लैश के साथ ड्यूल कैमरा, उसके साथ साथ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर के ठीक नीचे आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और फोन के फ्रंट में आपको 6.2 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलती है जो की गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। और ये डिस्प्ले नॉच के साथ आती है। नॉच में आपको एक कैमरा और एक ईयर पीस मिल जाता है। ईयर पीस और कैमरा के ठीक ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है इस फोन में। फोन देखने में बहुत ही बढ़िया दिखता है, आई कैचिंग फोन है। फोन की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है और इसके जो चिन और जो ऊपर टॉप के जो बेजल्स हैं वो बहुत ही कम दिए गए हैं, जो कि इस फोन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओवरऑल वीवो ने इस फोन को लुक्स और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी है। फोन हाथ में बहुत ही प्रीमियम फील देता है। वीवो Z3X स्नैपड्रैगन 660 के साथ आता है और एड्रीनो 512 GPU है। और इस फोन में आपको 1080p IPS पैनल देखने को मिल जाएगा जो कि गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। और ये फोन 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है। और इस फोन में हमें 3260 mAh की बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए 5W 2 ampere का चार्जर दिया गया है। ये फोन 13+2 megapixel के रियर कैमरा के साथ आता है और 13 megapixel के फ्रंट कैमरा के साथ आता है। फ्रंट कैमरा का जो अपर्चर है वो f2.0 है और जो रियर कैमरा का ऑपरेचर है वो f2.2 है। और इसमें एंड्रॉइड वर्जन 9 दिया गया है फ्रंट टच OS के साथ। फोन की जो स्क्रीन है वो एक 1080p स्क्रीन है और ये एक IPS पैनल है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस फोन को टिल्ट कर रहे हैं तो कलर वगैरह कुछ भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो काफी अच्छी दी है इस फोन में, क्योंकि एक IPS पैनल है उस वजह से इस पैनल की जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफी अच्छी है। Vivo U1 फ्रंट टच OS एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ आता है और जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 अप्रैल 2019। इस फोन में Vivo ने ज्यादा ब्लॉटवेयर नहीं दिया है। UI काफी क्लीन है। क्लीन UI होने के साथ साथ इस फोन में काफी आपको अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। उन अच्छे से फीचर्स के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इस फोन में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर और बहुत सारे सेंसर जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको सारे इस फोन में मिल जाएंगे। और इस फोन में हमें 64GB में से 49.87GB जो है वो स्टोरेज आउट ऑफ बॉक्स मिलती है और 4GB रैम में से 2GB रैम हमें जो है फ्री मिलती है जब हम इस फोन को फर्स्ट बूट करते हैं। Vivo Z3X OTG सपोर्ट करता है, बट आपको उसे अनेबल करना होता है सेटिंग्स में जाकर। पीछे से ये अनेबल होके नहीं आता है, तो अगर आप इसे अनेबल नहीं करोगे तो आप इस फोन में जो है वो USB नहीं यूज कर पाओगे। इस फोन में हमें स्क्रीन लॉक की दोनों ऑप्शंस मिल जाती हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक आईडी। और जब मैंने दोनों ऑप्शंस को सेटअप किया और यूज किया तो मैंने देखा कि जो फेस अनलॉक आईडी है वो बहुत ही फास्ट वर्क करती है। जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हो, पावर बटन को प्रेस करते हो एकदम से जो स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाती है, कोई भी डिले वगैरह नहीं है। तो वो जो फेस अनलॉक आईडी है वो बहुत ही फास्ट है और वैसी ही परफॉर्मेंस मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर में भी देखने को मिली, वो भी काफी फास्ट है, उसमें भी कोई मुझे डिले वगैरह या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। चलिए अभी जल्दी से इस फोन के गीक बेंचमार्क और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले गीक बेंचमार्क स्कोर देख लेते हैं। सिंगल कोर स्कोर है 1473 और मल्टी कोर स्कोर है 5209 और इस डिवाइस के एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है 120869, CPU है 51829
एंड GPU है 27624। इस फोन के ड्यूल रेयर कैमरा में आपको HDR, लाइव फोटो, बुके इफेक्ट वगैरह की जो ऑप्शंस है वो सारी मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आपको वीडियो में स्लो मोशन और टाइम लैप्स दोनों की ऑप्शन मिल जाएगी। और इस फोन में आपको प्रोफेशनल मोड, पैनोरामा मोड, फेस ब्यूटी और एयर स्टिकर्स जैसी ऑप्शंस मिल जाती हैं। फोन के फ्रंट के कैमरा में आपको इन ऑप्शंस के साथ साथ और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि ग्रुप सेल्फी एंड फेस ब्यूटी, और जो फिल्टर्स वगैरह हैं वो आपको दोनों कैमराज में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। जो रेयर कैमरा है उसकी जो हमें परफॉर्मेंस लगी है इनिशियली, काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगी है डे लाइट में। जैसे कि आप देख सकते हो कि काफी डिटेल्स जो है पिक्चर्स में शो हो रही है, सारे जो इफेक्ट्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे थे। जब मैंने इसे रूम लाइटनिंग में टेस्ट किया तो वहां पर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाकी जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आपके लिए जल्द लेके आऊंगा इस कैमरा का। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, सेल्फी कैमरा की, तो उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, बट मुझे थोड़ी जो पिक्चर्स हैं वो डल लगी हैं। क्लैरिटी और डिटेल्स में कमी नहीं थी डे लाइट में, बट फिर भी थोड़ी पिक्चर्स डल थी। बाकी जो है मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इस कैमरा को प्रॉपरली चेक नहीं कर लेता। ओवरऑल ये फोन काफी अच्छा पैकेज है, और जिस प्राइस रेंज में ये भारत में आने वाला है 12 से 13 की रेंज में, तो ये फोन काफी धूम आने वाला है। बस देखना ये होगा कि इस फोन की जो बैटरी है वो कितना लास्ट करती है। तो मैं इस फोन के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।